You see it right. Paise hai, it's money. Hi guys, welcome to my channel. This is Jheel Jain. And yes, the bitter truth of the world is money. And why? How? I'll tell you. Your value is directly proportional to the money that you make or the money that you own. मतलब आपकी कीमत उतनी ही है जितने पैसे आप कमाते हो या जितने पैसे आपके पास हैं. तो अगर आप 10,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपकी कीमत 10,000 रुपये जितनी ही है. और आप 2,00,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपकी कीमत 2,00,000 रुपये महीने जितनी है, जितने 2,00,000 की कीमत होती है. और कोई 10 करोड़ रुपये कमाता है एक महीने में तो उसकी कीमत उतनी लगती है, 10 करोड़ की कीमत की जाती है. और ये सच है. इफ़ यू सी योर सराउंडिंग्स इवन एट होम, अगर आप 25 क्रॉस कर चुके हो या यू नो 26, 23, 24 के पास, सब एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं स्पेसिफिकली फॉर बॉयज़ कि वो पैसे कमाना शुरू कर देंगे. और अगर वो नहीं कमा रहे 25-26 की उम्र तक तो बेरोज़गार, नकारा, निठल्ला, निकम्मा, आलसी, कुछ करना नहीं चाहता ज़िंदगी में, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना चाहता है, इस तरीके की बहुत सारी बातें सुनने को आती है जो कि बहुत नॉर्मल है. लड़कियों के लिए नहीं होता क्योंकि लड़कियों से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो कमाएंगी, जो कि बहुत गलत है. लड़का लड़की इक्वल होने चाहिए क्योंकि अगर वो दोनों आपके बच्चे हैं तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम होनी चाहिए. बट नहीं, हम इस तरीके की सोसाइटी में नहीं बड़े हुए हैं. इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे. तो अभी पॉइंट ये है, जो पैसे आप कमाते हो उसी से आपकी वैल्यू होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पीओन पे आप चिल्ला देते हो बट एक सीईओ पे या सीटीओ पे आप नहीं चिल्लाते हो. उसका कारण ये नहीं है कि उसको ज़्यादा पता है, उसको कम पता है. हो सकता है पीओन को बहुत ज़्यादा पता है लेकिन ये आपको कैसे पता है? आपको सिर्फ उसकी पोजीशन, आपको उसकी डिजिग्नेशन पता है, इसलिए आप उस पर चिल्ला रहे हो. क्योंकि आप सीईओ पे चिल्लाओगे तो यू विल गेट फायर्ड, बट पीओन पे चिल्लाने से नहीं होगा. और वही चाय बेचने वाला अगर पीएम बन जाता है तो सबको उसकी स्टोरी पता चल जाती है कि ओ चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है. लेकिन ऐसे कितने चाय बेचने वाले हैं जिनसे आप पीएम की तरह बात करते हो? किसी से नहीं करते क्योंकि वो पीएम बना नहीं है. सो पावर, पैसा, व्होएवर हैज़ पावर हैज़ पैसा. Whosoever has पैसा, उसके पास तो पावर है ही ऑटोमेटिकली. द पावर एंड पैसा इज इक्वल एंड द प्रोपोर्शन अबाउट वट आई सेड इज एब्सोल्यूटली ट्रू. इट्स अनबिलीवेबली सैड कैसा है, पर ये इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स वर्ल्ड वाइड कि जिसके पास जितना पैसा है उसकी वैल्यू उतनी है. अब हम इस चीज़ को बदल नहीं सकते क्योंकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि 7 बिलियन लोगों में चेंज ले आए. बट हाँ, हम ये कर सकते हैं, अगर हमें कोई चीज़ समझ में आ रही है, हमें पता चल रहा है, जैसे मुझे पता है ये गलत है, तो व्हाट आई डू इज़ आई डोंट लेट दिस अफेक्ट माय सिस्टम और माय सराउंडिंग्स और द पीपल आई टॉक टू. मतलब उसमें कोई पैसे कम कमा रहा है या ज़्यादा कमा रहा है, उससे मैं उसको कभी जज या क्वालिफाई नहीं करती कि मेरी लाइफ में उसकी क्या स्पेस होगी. मैं हमेशा सिर्फ ये देखती हूँ उसका नेचर कैसा है. और मतलब लोग भूल जाते हैं, लोग सिर्फ पैसे से ही तोल रहे हैं क्योंकि ये ही एक स्टैंडर्ड बन चुका है हर किसी की वैल्यू नापने का. कोई नहीं देखता किसका नेचर कैसा है, कौन कितना ईमानदार है, कौन कितना लॉयल है, कौन दिल का साफ है, ये सब मैटर नहीं करते. अगर इफ़ यू हैव मनी यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू डोंट यू आर स्ट्रगलिंग. नोबडी केयर्स कि तुम क्या सोचते हो, तुम्हारे क्या सपने, किसी को सुनने नहीं. और यही तुम पैसे वाले हो और तुम्हारे पास 5-50 कचरा सपने हैं तो सब सुनेंगे बैठ के क्योंकि तुम्हारे पास पैसे हैं. तो ये बहुत गलत है. सो वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड. सो गेटिंग बैक ऑन द टॉपिक, अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है कि जो गलत है तो जस्ट स्पीक फॉर इट, उसके लिए बोलो. पैसे कमाना बिल्कुल भी गलत चीज़ नहीं है, सबको कमाना चाहिए. वन शुड बी इंडिपेंडेंट. आप जब खुद पैसे कमाते हो ना तो आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है एंड इट मेक्स यू फील वॉन्ट टू डू मोर एंड ग्रो मोर. ठीक है, तो गो फॉर इट, अर्न मनी एंड यू नो एस्टैब्लिश योर सेल्फ. किसी और पर डिपेंडेंट मत हो, अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाओ, उनके लिए चीज़ें करो, ये सब में कोई गलत नहीं है. लेकिन इस तरीके का माइंड सेट रखना कि अगर किसी के पास पैसे हैं तो उसकी वैल्यू ज़्यादा, ये बहुत गलत है. तो जिस भी इंसान को ऐसा कुछ लगता है ना कि उसके आस पास ऐसी कोई थॉट प्रोसेस है या ऐसी कोई चीज़ है जो गलत है और उसको सही नहीं लगती है, तो जस्ट अपोज दैट, डोंट बिलीव इन दैट, डोंट सपोर्ट दैट, वो चीज़ें मत करो. मैं नहीं करती, अगर मुझे लग रहा है ये गलत है ना तो आई नेवर सपोर्ट इट. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हमारी मम्मियों पे बहुत चलाते हैं, पापा पे नहीं चलाते हैं. डर लगता है, क्यों? क्योंकि पापा घर में पैसे कमा के लाते हैं. सो द पर्सन हु इज़ अर्निंग मोर हैज़ मोर पावर इन द हाउस, बी इट अ मैन बी इट अ वमेन. और इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत हैं, इट्स लाइक यू नो मेल फीमेल इट्स नॉट इक्वल इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट विल बी द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर नेक्स्ट वीडियो. फॉर दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. आई होप आई एम नॉट मेकिंग इट वेरी लॉन्ग एंड आई होप आई कैन एड सम वैल्यू टू other people's life and thought processes. But seriously yaar, if you want to oppose something just oppose it. If you don't feel it's right, no matter tumhare samne 10 jane khade ho jo ye bol rahe hain sahi hai, agar tumhe lagta hai wo galat hai, just take a stand for it, just be on it, because that's how you are like you know you will stand out. Warna bhedjal mein to sari duniya chal rahi hai.
Right. So let's end this video here and I'll see you guys in the next video. Bye bye. Take care.